दोस्तों आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा जिसमें जब भी दुश्मनों के एयरक्राफ्ट के ऊपर टारगेट लॉक करके मिसाइल छोड़ा जाता है तो मिसाइल सांप की तरह एयरक्राफ्ट के पीछे पड़ जाती है जब तक मिसाइल एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। मगर क्या असल जिंदगी में भी मिसाइल इसी तरह एयरक्राफ्ट के पीछे पड़ जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। मूवीज में दिखाए गए ये सीन पूरी तरह से फेक होते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले डिफेंस सिस्टम टारगेट और मिसाइल के बीच में कैलकुलेशन करके एक पाथ क्रिएट करता है, जिसके बाद जब भी डिफेंस सिस्टम को लगता है अब एयरक्राफ्ट उस पाथ में आ गया है तो डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिक मिसाइल को लॉन्च कर देता है। उसके बाद मिसाइल एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला करती है, मगर राइट टाइम पर अगर एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है तो मिसाइल एयरक्राफ्ट के पीछे जरूर पड़ेगी, मगर उस तरह नहीं जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट मिसाइल के कंपैरिजन में काफी तेज मैन्यूवर करते हुए फ्लेयर और चाप को यूज करके खुद को मिसाइल से बचा सकता है। दोस्तों ये चीजें सुनने में तो काफी ज्यादा आसान लग रही है, मगर इन चीजों को सिर्फ एक एक्सपीरियंस पायलट ही कर सकता है।